Kaku. Pandey. जीने की तमन्ना ही मर चुकी थी। ऐसा सदमा, ऐसा लगता था बस ऊपर वाला बुला ले गुगा को। ऐसा दुख लेकर भी क्या जीना, क्यों जीना? आई मणि, आई मां जिसने अपने कोख से जन्म दिया, पढ़ाया, लिखाया, बड़ा किया, उस बेटे ने ये सिला दिया, ये सिला दिया कुछ पैसों के लिए, अपनी मां को घर से बेघर कर दिया। ये प्रणव मेरा बेटा, उस पर भरोसा तो क्या, किसी रिश्ते पर भरोसा करने का मन नहीं कर। इस सब में एक सबक सीखा मैंने, बहुत बड़ा सबक पुष्पा, बहुत बड़ा सबक। तू आई जीते जी अपनी सगी औलाद को भी अपने हाथ काट कर मत देना, उन पर पूरा डिपेंडेंट हो जाओ, ऐसे हालात कभी मत आने देना। छाता धूप और बारिश से बचाए तो प्यारा लगता है, पर उसमें अगर सुराग पड़ जाए, एक काद सलिया निकल जाए या वो पुराना हो जाए, तो वही छत्र छाया बोझ लगने लगती है, उसे कोई रिपेयर नहीं करता। पुष्पा, तुम मुझे गलत मत समझना, राशि अश्विन दीप्ति, तेरा बेटा चिराग, उनकी तुलना मैं प्रणव और वर्षा के साथ नहीं कर रही, पर पुष्पा ये कलयुग है, कलयुग यहां कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। उसका उदाहरण देख तेरे सामने है, है ना? थोड़ी सत्ता, थोड़ा पैसा और एक छत, अपने नाम की होनी जरूरी है। ये कोई स्वार्थ या चालबाजी नहीं है, सुरक्षा है अपनी। मैं तो फिर भी बच गई, पर ऐसे तो कितने माँ बाप होंगे जो अपने संतानों से धोखा खा जाते होंगे। आपकी बात कड़वी है काकू, पर सच है। आगा पोरी, तो भला हो तेरा जो तूने मेरे बाबा की छत बचा ली। पता नहीं कौन से जन्म का रिश्ता है अपना। आभार तुझा गोपाई, खरच गोपाई, तुझा खूब खूब आभार।
काकू बाबर काकू 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 For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.